नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित हो गया है और एनसी और कांग्रेस को जीत मिली। 90 में से 49 सीटों के ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को जीत मिली है और उमर अब्दुल्ला के रूप में जम्मू कश्मीर को अब नया सीएम मिलेगा। दरअसल जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के रिजल्ट घोषित किए जा चुके हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने 90 सीटों में से 49 सीटों पर जीत हासिल की। जीत हासिल करने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला ने ऐलान किया है कि उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि उमर ने मुख्यमंत्री को लेकर साफ कर दिया है कि इसका फैसला विधायक के दल की बैठक में लिया जाएगा। उन्होंने जम्मू कश्मीर और केंद्र के बीच किस तरह का तालमेल रहेगा इस पर भी बात की। केंद्र शासित प्रदेश के अंदर सरकार बनाने के बाद केंद्र के साथ समन्वय पर नेशनल कॉन्फ्रेंस उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने यह कहा कि सरकार बनने दीजिए, ये बात सीएम से पूछिए, चुने जाएंगे। मेरा सुझाव है कि नई दिल्ली के साथ समन्वय करना जरूरी है। उन्होंने कहा, हमारे मुद्दे मुश्किल हैं और दिल्ली से लड़ने से हल नहीं निकलेगा। हम भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को स्वीकार नहीं करेंगे और भारतीय जनता पार्टी हमारी राजनीति को स्वीकार नहीं करेगी। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रतिद्वंद्वी करते रहेंगे लेकिन केंद्र से लड़ना हमारी मजबूरी नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे ये लगता है कि केंद्र के साथ उचित संबंध जम्मू कश्मीर और अन्य जम्मू कश्मीर के लोगों के अच्छे होंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों ने लड़ाई के लिए वोट नहीं दिया, इसलिए वोट दिया है क्योंकि वो रोजगार, प्रगति, राज्य का दर्जा और बिजली आपूर्ति में राहत और अन्य मुद्दों का समाधान चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करूंगा कि आखिरकार दोबारा 2018 के बाद जम्मू कश्मीर में एक जमहूरी निज़ाम कायम होगा। मैं उन तमाम वोटरों का शुक्रिया करना चाहता हूं जिन्होंने इन तीन फेजों में बाहर आके अपने वोट का इस्तेमाल किया। मैं बिलखसूस उन वोटरों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और अलायंस के उम्मीदवारों को कामयाब किया है। इस मैंडेट से एक बात तो बिल्कुल तय है कि आम तौर पे लोगों ने बीजेपी की जम्मू कश्मीर को जो सियासत रही है उसके खिलाफ दिया है। बीजेपी ने जो पुरानी तंजीमों को, जिसमें खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को सियासी निशाना बनाने की कोशिश की, हमें कमजोर करने की कोशिश की, हमारे मुतबादल यहाँ पे तंजीमें खड़ी करने की कोशिश की, आज उनका आम तौर पे देखा जाए तो नामो निशान जो है वो इस इलेक्शन में मिट गया है। लेकिन बड़ी बात ये है, दरअसल जम्मू कश्मीर के अंदर उपराज्यपाल के हस्तक्षेप के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारे और दिल्ली में फर्क है और दिल्ली कभी पूर्ण राज्य नहीं रही और दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने का वादा किए भी नहीं किया। हम एक पूर्ण राज्य थे और हमें पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा किया गया था। ये हुकूमत बनते ही कैबिनेट का पहला फैसला ये होगा कि वो एक संकल्प कैबिनेट की ओर से इसे पास करें कि केंद्र को अब जम्मू कश्मीर में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। पीडीपी के साथ गठबंधन को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष ये कहा है कि पीडीपी ने हमसे कोई भी संपर्क नहीं किया है और हमने उनसे कोई भी संपर्क नहीं किया। मुझे ये लगता है कि फिलहाल चुनाव के नतीजों को देखते हुए उनकी बहुत सारी आंतरिक की चर्चाएं चल रही होंगी। अगर कोई संचार स्थापित किया है तो हम बैठकर उनसे बात भी करेंगे, लेकिन फिलहाल ये हमारे लिए प्राथमिकता नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। छोटी बड़ी हर खबर आपको न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पे मिलेगी। आप बने रहे न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।